भले ही मजबूरी की वजह से तुम्हें स्वर्ण भवन छोड़ना पड़ा हो, पर स्वर्ण भवन तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता है। और हमारा विश्वास है कि इसी स्वर्ण भवन में तुम्हारे सारे सपने साकार होंगे। बाबा, चाय पिला दो प्लीज। अब हम क्या करेंगे? रसोई घर में जाने की इजाजत तो नहीं है हमें। करण के लिए चाय। बाबा, अब नहीं चाहिए मुझे चाय। इट्स ओके। आपकी पहली फरमाइश है, चाय तो बनानी पड़ेगी। कैसे बनाओगी? देखते हैं। हम कह रहे थे कि अब पग फेरे की रस्म के लिए। क्यों आप बार बार हमें ये कहने पर मजबूर कर रही हैं कि वो लड़की हमारे लिए? आप सुबह सुबह आप ऐसी बातें अपनी बेटी के लिए मत कीजिए। अब शादी हो गई है तो पग फेरे की रस्म तो करनी ही पड़ेगी ना। माँ, हम जरूर जाएंगे अपनी आभा को पग फेरों के लिए लाने। सन प्रकाश, तो अब तुम हमारे फैसले के खिलाफ जाओगे? हमें कहा ना, वो इस घर में नहीं आएगी। बस। थैंक यू। देखे, सच्ची? वाह, चलते हैं। संभाल के बेटा, आओ संस्कार। स्वर्ण प्रकाश, हमने कहा कि आभा इस घर में नहीं आएगी तो मतलब नहीं आएगी। आप अन्न का अनादरी नहीं, ममता का भी अपमान कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? उसके नाम से, उसकी याद से आपका दिल कांपता है। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो हम मना कर देते हैं आभा को यहां आने से। नहीं बहना, आभा बिटिया को आने दीजिए। मैं चाहता हूं कि मेरी भांजी पग फेरे के लिए मेरे घर आए। बिल्कुल सही कहा तुमने राघव, हम तो भूल ही गए थे कि घर हमारा नहीं। रुक जाइए। सर, मेरा मतलब ये नहीं था। क्या कह रहे हैं आप? मेरा मतलब, रुक जाओ राघव, कोई हमारे पीछे नहीं आएगा। बहना, मेरा कोई और दूसरा मतलब नहीं था। मैं चाहता था कि हम जानते हैं राघव भैया, आप चिंता मत कीजिए, वो आ जाएंगे अपने आप। प्रकाश, तुम निकलो, संस्कार को लेके तुम निकलो, चलो जाओ। आपको अपना नया घर कैसा लग रहा है मिस आभा उदय प्रताप सिंह? पति का घर किस पत्नी को अच्छा नहीं लगता? ओ पति, मैं अब भले ही इस कमरे में ये चटाई फटी हुई हो, बेड ना हो, लेकिन नींद बड़ी अच्छी आती है। अब इस रूम में एसी फैन हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम एक साथ हैं। खैर छोड़िए। अरे पापा, जाते जाते बहू की हाथ की गर्मा गर्म चाय तो पीते हुए जाइए।